हेलो गाइस, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड जिन जिन मेरे फ्रेंड्स ने आरआरबी एंड लोको पायलट का फॉर्म फिल किया हुआ है फ्रेंड, मेरे इस वीडियो को फ्रेंड वो जरूर देखेगा। और फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य में। गाइज अगला क्वेश्चन देखिएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन ए, पर्ण। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कोणार्क मंदिर फ्रेंड्स ये उड़ीसा में है। ये फ्रेंड्स सूर्य देव का मंदिर है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1245 ईस्वी में। एंड गाइज अगला क्वेश्चन देखिएगा। ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन ए, 33 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अलब्रुदनी का मूल नाम क्या था? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन डी, अबू रेहान। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन बी, योगिनीपुर। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1562 ईस्वी में। गाइज अगला क्वेश्चन देखिएगा। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गेराल्ड आगियार। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइज। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी गाइज इसका आंसर है ऑप्शन डी, जॉन विल्किंस बूथ ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन डी, 20 जून को, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आराम बाग को किसने बनवाया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 17 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ईसाई धर्म में उपदेश को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शुभ समाचार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रोल्ट एक्ट कब लागू हुआ था? गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है गाइज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8 मार्च 1919। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एडोल्फ फिल्टर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गेस्टोपो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सांझा का राजकवि कौन था? गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवाहन काल की भाषा क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लॉर्ड मैकॉले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, तो गाइज ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1995। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए,
महेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, हैदर अली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहरा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है गाइज, तो प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। गाइज अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। और फ्रेंड ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो प्लीज़ फ्रेंड ध्यान से पढ़िएगा। एंड फ्रेंड्स का आंसर है ऑप्शन बी, 1666 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर। गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सॉरी गाइज, फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी को राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूनी नदी उद्गम स्थान स्थल कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन डी, अरावली पर्वत पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबा राजमार्ग NH7 की कुल लंबाई कितनी है? गाइस इसका आंसर है ऑप्शन डी, 369 किलोमीटर। गाइस ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा रेल राजमार्ग कौन सा, तो फ्रेंड वो NH7 ही पड़ता है, ठीक है, जो फ्रेंड वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ओके गाइज अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरीब रथ ट्रेन पहली बार कब चली थी? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सौंपा गया? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। गाइज अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोरजिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, तो गाइज का आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोड। गाइज अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। गाइज अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। गाइज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी गाइज एक क्वेश्चन और आगे, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन सी, जमुना। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन बी, महेश्वर। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो फ्रेंड पसंद आया तो फ्रेंड मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना।